हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मुझे लगता है इस बार तो पूरे साल ही बच्चों को घर से ही क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, स्पेशली छोटे बच्चों को। ऐसे में बच्चे भी बोर हो रहे हैं और हम पेरेंट्स के लिए भी उनको बिजी रख पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे आइडियाज़ देखेंगे जिनसे बच्चे बिजी रह पाए और हम फ्री रह पाए, क्योंकि हम बच्चों के साथ थोड़ी बहुत देर खेल सकते हैं, जो कि हम खेलते भी हैं, बट वो तो पूरा दिन ही एक्टिव रहते हैं, तो हम उनकी एनर्जी को मीट नहीं कर सकते। तो कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिससे हम बच्चों को थोड़ा बहुत गाइड करते हुए खुद फ्री रह पाएंगे और बच्चे भी हैप्पी हैप्पी बिजी रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें टाइम टेबल बनाना है, बच्चे का भी और हमारा भी। और वो टाइम टेबल इस तरह का होगा कि बच्चा जब ये करेगा तब मैं ये करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको दिन में सोना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, तो वो टाइम बच्चे का टीवी टाइम हो। अगर बच्चा दिन में नहीं सोता है तो आप सोते रहिए और बच्चा टीवी देखता रहेगा। और अगर आपको टीवी की आवाज़ में नींद नहीं आती है तो आदत डाल लो, क्योंकि बच्चों के साथ हमें बहुत सारी आदतें चेंज कर लेनी चाहिए। और हर दिन का टाइम टेबल अलग होगा, यानी 7 दिन के 7 टाइम टेबल होंगे। जो एक्टिविटी बच्चा इस मंडे को करेगा वही सेम एक्टिविटी वो नेक्स्ट मंडे को करेगा, ताकि वो बोर नहीं होगा, क्योंकि उसे हर दिन अलग एक्टिविटी मिल रही है, प्लस जो भी वो मंडे को कर रहा है उसको नेक्स्ट मंडे को वही चीज़ खेलने के लिए मिल रही है। तो 6-7 दिन के गैप में वो उस चीज़ को एंजॉय कर पाएगा और उतने ही मज़े से खेल पाएगा। प्लस इससे एक और फ़ायदा ये होगा कि हमें याद आ जाएगा कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है बच्चों को बिजी रखने के लिए। कभी कभी होता है बच्चे हमसे पूछते हैं कि मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ क्या करूँ, तो हमारे माइंड में आइडियाज़ नहीं आ पाते। तो इस तरह से टाइम टेबल होगा, हर दिन की अलग अलग एक्टिविटीज़ लिखी होंगी, तो मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो जाएंगी और हम बच्चों को बता पाएंगे कि बच्चा आप ये कर सकते हो। फर्स्ट एक्टिविटी है ट्रेजर हंट, माय पर्सनल फेवरेट, क्योंकि इसमें हम अपना काम करते रहते हैं और बच्चे खेलते रहते हैं। लाइक हम किचन में कोई काम कर रहे हैं तो आप बच्चे का कोई भी छोटा टॉय ले लीजिए और उसे कहीं छुपा दीजिए, फिर बच्चा उसे ढूंढेगा। और हम चाहे तो उन्हें कोई क्लू दे सकते हैं कि वो टॉय ग्रीन कलर की चीज़ के नीचे है या उस रूम में है या लेफ्ट साइड राइट साइड, कुछ भी। बच्चों को इसमें बहुत मज़ा आता है और इस तरह से बच्चों की एनर्जी लगेगी और हमारी एनर्जी बचेगी। सेकेंड एक्टिविटी जो है, आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने यूज़ की भी होगी, कि अक्सर हमारे घरों में ऑनलाइन काफ़ी कुछ सामान आता रहता है, उसके साथ काफ़ी सारे बॉक्सेस आते हैं, गत्ते आते हैं, तो अक्सर हम उन्हें फेंक देते हैं। बट उन्हें फेंकने के बजाय आप बच्चों को दे दें, आप देखेंगे उस एक बॉक्स से या गत्ते से बच्चे कई सारे गेम बना लेते हैं। तो अगली बार जो भी सामान आएगा उसके बॉक्स या पैकिंग फेंकना नहीं, बच्चों को दे देना है। नेक्स्ट है ग्लो स्टिक। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर बच्चे के पास होनी ही चाहिए। इससे बच्चे काफ़ी अलग अलग तरह के गेम बना लेते हैं। समर्स में हम इसे बाथिंग टब में डाल सकते हैं, बाथरूम की लाइट ऑफ करके बच्चे पानी के साथ बहुत देर तक मस्ती करते हैं, बट ऐसे में बच्चों पे नज़र बनाए रखनी होती है। एंड विंटर्स में भी, क्योंकि शाम को अंधेरा जल्दी हो जाता है तो बच्चों को काफ़ी लंबा टाइम मिल जाता है इनसे खेलने का, और वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए बिजी रह पाते हैं। वो कभी इनसे स्वॉर्ड बना लेते हैं, कभी रिंग बना लेते हैं, कभी पूरे रूम में फैला देते हैं, कभी गोल गोल घुमाते हैं, और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती। नेक्स्ट है कि बच्चों के लिए टेंट बनाए, 2 चेयर ले लें और उस पर एक बेडशीट डाल दें, दैट्स इट। थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उन्हें खुद बनाने दें, और हो सकता है 1-2 बेडशीट की या चादर की जरूरत और पड़े तो वो भी उन्हें प्रोवाइड करा दें, मना नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी नहीं लग रही, आपको थकान नहीं हो रही और बच्चे भी हैप्पी वाले बिजी हैं। अगला है कि अगर आपके पास कोई पुराना कार्ड्स का सेट रखा हुआ है तो उसे निकालिए और बच्चे को दे दीजिए, क्योंकि आप तो उससे खेलने वाले हैं नहीं। आप सोचेंगे कि आप खेलेंगे बट आप नहीं खेलेंगे, और अगर कभी खेलने का मन होगा तो नया ले लेना, अभी वाला निकालिए और बच्चे को दीजिए। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कार्ड से बच्चा कितनी देर तक बिजी रह सकता है। नेक्स्ट है कि हम बच्चों को घर की छोटी मोटी क्लीनिंग के काम में लगा दें। अब कुछ बच्चे तो इसे आराम से कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल क्लीनिंग नहीं करना चाहते, तो आप उन्हें कॉलिन दे सकते हैं, क्योंकि कॉलिन से क्लीन करने में हर बच्चे को मज़ा आता है। या आप बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो आप कॉलिन की बोतल में नॉर्मल प्लेन वाटर भर दीजिए और उसमें थोड़ा सा ब्लू कलर मिक्स कर दीजिए, इससे बच्चे भी बिजी रहेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। और अगर कोई बच्चा बिल्कुल क्लीनिंग के लिए नहीं मान रहा है तो आप उसे कह सकते हैं कि अगर आप ये क्लीन करोगे तो मैं आज आपकी फेवरेट डिश बनाऊंगी। और वैसे भी हम उन्हें कोई भी काम 7 दिन के गैप के बाद बोल रहे हैं तो उनके हाँ कहने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगला है कि किसी दिन भगवान की पूजा अर्चना करने की जिम्मेदारी बच्चों को दे दें। मेरे हर वीडियो में भगवान जी कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, तो किसी दिन हम साइड में हो जाएं और बच्चों को बोलें कि आज भगवान जी आपको मिस कर रहे हैं,
तो आज आप उनकी पूजा करो और फिर उन्हें जैसे भी वो करें उन्हें करने दें, दिया जलाने में उनकी हेल्प कर दें। दीपक जलाने में तो वैसे भी शायद सभी बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। नेक्स्ट, किसी दिन आप बच्चे को पजल या कुछ क्वेश्चंस बनाने को कहें, या वो आपको सम्स दे दे जिसको आप सॉल्व करेंगे, या इस तरह की वो मेज़ बना सकता है जिसमें वो रास्ता पूरा ड्रॉ करेगा और हमें रास्ता ढूंढना होगा, और फाइनली हम रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करेंगे तो उन्हें प्राउड करने का मौका तो दे, तो हमें रास्ता नहीं मिलेगा, फिर बच्चा खुद वो रास्ता ढूंढ के बताएगा तो वो बड़ा खुश होगा। और इस तरह की मेज़ बनाने में बच्चों को बहुत टाइम मिलता है, वो बहुत देर तक बिजी रह पाते हैं, और जब हम नहीं ढूंढ पाते तो उन्हें और मज़ा आता है और वो और बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। तो आप ये भी ट्राई करके ज़रूर देखना। नेक्स्ट है कि बच्चों को थोड़ी थोड़ी कुकिंग करने दें। हम छोटे मोटे स्नैक्स बनाते रहते हैं तो बच्चों से बनवाएं, हम किचन में कोई और काम करते रहें और बच्चा हमारी गाइडेंस में हमारी हेल्प करता रहे। एंड सैलड कट करवाना इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, या आप सर्विंग में भी उनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर बच्चा बिल्कुल भी ना करना चाहे तो आप कह सकते हैं कि बच्चा मम्मा थोड़ी थक गई है ना, आप मेरी हेल्प कर दोगे प्लीज़, तो इस तरह भी बच्चे काम कर देते हैं। बट अगेन, हर एक्टिविटी हमें कुछ दिन के गैप के बाद करवानी है ताकि बच्चा उससे बोर ना हो। अगला है कि बच्चों को पेंसिल से ट्रैक बनाने दें, जिसे वो रेलवे ट्रैक या सड़क जो भी नाम देना चाहे। प्लस बच्चों को ये भी बोल दें कि इस पेंसिल ट्रैक से खेलने के बाद समेटना भी आपको ही है। इस एक्टिविटी में बच्चों को इतना मज़ा आता है कि वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है जिसमें बच्चे बहुत अच्छे से बिजी रहते हैं वो है क्ले। क्ले सारे बच्चों का फेवरेट होता है, बट अगर डेली उन्हें मिलेगा तो वो बोर हो जाएंगे, तो थोड़े थोड़े दिन के गैप पे उन्हें क्ले ला के दें। आप देखेंगे हर बार वो कुछ डिफरेंट तैयार करेंगे, कुछ डिफरेंट क्रिएट करेंगे, और कभी बच्चे कुछ अलग बनाएंगे और कभी हम उन्हें कुछ आइडिया दे सकते हैं कि आप ये बना सकते हो। अगर आपके बच्चे को भी मेरे बेटे राघव की तरह अपनी ही स्टाइल में डांस करने का शौक है तो फिर क्या कहना है, लगाइए म्यूजिक और उसे थिरकने दीजिए अपने अंदाज में। बट अगेन, इसे भी वो डेली नहीं करेंगे, तो जब भी आपको लगे कि बच्चे का मूड है आप उसे डांस करने के लिए कह सकते हैं, या आप भी उसके साथ डांस कर सकते हैं। एंड हो सकता है कभी उनको डांस करने में इतना मज़ा आए कि वो एक घंटे तक नाचते ही रहें। अगला है कि अगर बच्चे के पास साइकिल, स्कूटी या कार है जिसे वो बाहर चलाया करता था, तो उसे घर में चलाने की परमिशन दे दीजिए। थोड़ा बहुत हो सकता है आपको सामान इधर उधर खिसकाना पड़े तो खिसका दीजिए, ताकि बच्चों के लिए खेलने की जगह हो जाए थोड़े दिन के लिए, स्कूल खुले तब तक के लिए। देखना बच्चे कितना खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है कलरिंग। बच्चों को वाटर कलर यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है, बट अक्सर हम इसमें थोड़ा सा हिचकिचाते हैं क्योंकि घर गंदा हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, बच्चों को वाटर कलर दीजिए और बालकनी में बिठा दीजिए और उसको कलर करने दीजिए, जो भी वो करे, अच्छा करे, गंदा करे, क्लियर ना भी हो, जो भी बनाए, और बाद में थोड़ी सी तारीफ़ कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम भी वो कलर करने के लिए मोटिवेट रह पाए। और बालकनी को गंदा होने दीजिए, वो अगले दिन धुल जाएगी। अगली जो चीज़ है वो है ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड। आजकल छोटे छोटे वाइट बोर्ड भी आ रहे हैं, तो आप वो बच्चे के लिए ला सकते हैं। इससे बच्चे बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, यूनिट इसमें वो ड्राइंग कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, स्पेलिंग्स लिख सकते हैं, या टीचर बन के उनकी एक्टिंग कर सकते हैं बिना स्टूडेंट्स के। नेक्स्ट है कि बच्चों को अलग अलग तरह के क्राफ्ट करने दें, हम उन्हें आइडियाज़ दे दें। कभी उन्हें ग्लिटर शीट प्रोवाइड करा दें कि आप इससे कुछ बनाइए, या कभी उन्हें कलरफुल जो पेपर आते हैं वो दे दें कि आप अपने फ्रेंड के लिए कुछ बनाओ, या आप दादू दादी नाना नानी सबसे हम नहीं मिल पा रहे हैं तो आप उनके लिए कुछ लेटर लिखो या कोई कार्ड बनाओ। इसमें भी बच्चे बहुत अच्छे से बिजी रह पाते हैं। अगली जो चीज़ है वो है पिलो। पिलो से वैसे भी बच्चे काफ़ी कुछ बनाते हैं, खेलते हैं, तो हम उन्हें बहुत सारे पिलोज प्रोवाइड करा दें और गंदे होने की टेंशन नहीं लेनी है, बाद में धुल जाएंगे। बस उन्हें थोड़ा सा गाइड करते रहें कि बेटा पिलो नीचे नहीं फेंकना है, बेड पे ही रखना है, या हम उनसे पिलो का टावर बनाने के लिए भी कह सकते हैं कि आप इनका टावर बनाओ, तो वो टावर बनाएंगे, फिर वो गिरेगा, फिर से बनाएंगे, तो इसमें भी बच्चों को काफ़ी टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है टनल बनाना। हमारे घर में जितनी भी चेयर्स हैं उन सबको जमा दें और उसे टनल क्रिएट करें, और उसमें से बच्चा खुद निकलेगा या अपने फेवरेट टॉय को या अपने टेडी को निकालेगा। एंड अगर बच्चा थोड़ा सा खुद बना पा रहा है तो उसे खुद बनाने दें, इससे वो बिजी भी रहेगा और खेल भी लेगा। नेक्स्ट है रूबिक क्यूब। 10 साल से कम उम्र के बच्चे से सॉल्व नहीं कर पाते, कुछ बच्चे कर भी पाते हैं बट कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों को इतना जल्दी इतना कुछ सिखाने की, तो वो सॉल्व ना भी कर पाए ठीक है, बट ये एक ऐसी चीज़ है जिससे अधिकतर बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो आप ये भी अपने बच्चे के लिए ज़रूर ला कर दें। और जब बच्चा इससे बोर हो जाए तो इसे छुपा कर रख दें, फिर बहुत दिनों बाद फिर से दें, बच्चा उतने ही मज़े से दोबारा खेलेगा। नेक्स्ट है कि हमारे घर में
जो भी चीज़ फेंकने के लिए है उसको पहले देखें कि क्या बच्चा इससे खेल सकता है। कोई भी चीज़ हो, बच्चे किसी भी चीज़ से खेल सकते हैं। स्पेशली बॉयज़ के साथ ऐसा होता है कि अगर उनकी कोई कार ख़राब हो गई है, गन ख़राब हो गई है, या घर की कोई ऐसी चीज़ ख़राब हो गई है जिसमें स्क्रू है, तो वो उन स्क्रू को खोलना और लगाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप उनको दे दीजिए, तोड़ने फोड़ने दीजिए, कम से कम वो बिजी तो है। तो फेंकने से पहले एक बार सोच लें या बच्चे से पूछ लें कि बच्चा आप इससे कोई नया टॉय बना सकते हो। हो सकता है वो बना ले और 1 घंटे के लिए ही सही उसे एक नया टॉय मिल जाएगा। अगला है कि घर फैलने दो। अब आप कहेंगे कि ये कैसी एक्टिविटी है। बच्चों का मन बहुत क्रिएटिव होता है और उनके मन में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आते रहते हैं, बट जैसे ही वो कुछ करना स्टार्ट करते हैं हम उन्हें रोक देते हैं कि ये मत करो, वो मत फैलाओ, अभी तो साफ़ किया है, फिर से फैल जाएगा। फैलने दो, लकी हो आप, घर उन्हीं का फैलता है जिनके घर में बच्चे होते हैं। तो थोड़े दिन के लिए अपने आप को वेल मैनेज्ड होम के कॉन्सेप्ट से फ्री कर दो, थोड़ा फैला रहने दो, आप देखना बच्चे कितना कुछ कर पाते हैं। और एक और बात बच्चों को बता के रखनी है कि दिन का टाइम रेस्ट का टाइम होता है, तो भले वो सोए भी ना, जैसे मेरा बेटा राघव है वो दिन में नहीं सोता, लेकिन मैंने उसको बताया हुआ है कि दिन में रेस्ट ही करना होता है, तो वो आराम से शांति से बिना उछल कूद के टीवी देखता रहता है रेस्ट वाले मोड में। तो बच्चों को शुरू से बता के रखें कि दिन वाला जो टाइम होता है वो रेस्ट का ही होता है। एक और बोनस पॉइंट है मदर्स के लिए कि दिन भर की इस रूटीन में जो टाइम टेबल हम बनाएंगे उसमें मी टाइम ज़रूर सेट करके रखें। एक ऐसा टाइम जो सिर्फ हमारा हो, बाकी कोई जिम्मेदारी ना हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना हो घर की, कोई काम ना हो, सिर्फ हम हमारे साथ टाइम स्पेंड करें। इसमें मॉर्निंग वाला टाइम बेस्ट होता है, तो हम थोड़ा सा सुबह सुबह खुद के साथ बैठें, चाय पिएं, सुकून भरी ज़िंदगी जिएं। उस 1 घंटे या आधे घंटे में जितना भी टाइम आप डिसाइड करेंगे, इससे क्या होगा, हम रिलैक्स रह पाएंगे, और हम रिलैक्स रह पाएंगे तो हम बच्चों को भी और अच्छे से संभाल पाएंगे। और हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि बच्चों का मूड चेंज होता रहता है। हो सकता है जो एक्टिविटी उन्हें आज पसंद ना आए, थोड़े दिन बाद उसी सेम एक्टिविटी को वो बहुत अच्छे से इंजॉय करें। तो हमें गिव अप नहीं करना है, एक ही एक्टिविटी को थोड़े थोड़े दिन के बाद ट्राई करते रहना है। तो ये थे कुछ आइडियाज़ बच्चों को बिजी रखने के। बस हमें ध्यान ये रखना है कि बच्चों को कोई भी चीज़ या कोई भी एक्टिविटी थोड़े दिन के गैप में कराएं। 7 दिन का गैप तो हम ले ही रहे हैं, बट ज़्यादा का भी ले सकते हैं। ठीक है, सो गुड लक फॉर योर बिजी रूटीन विद योर किड्स, एंड बाय।